देखिए बिल्कुल, जब भी कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स शुरू करता है तो बिल्कुल उसका सपना होता है कि मुझे अर्जुन अवार्ड दिया जाए, क्योंकि खेलों में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन जब हम देश के लिए करते हैं तो देश देश भी हमें कुछ देता है, और उन्हीं में से है अर्जुन अवार्ड। और बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है कि आगे भी इसका मान रखना है और देश को अनेकों मेडल दिलाने हैं। मुझे पिछला जो बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, फिर जो रेसलिंग है इंडियन रेसलिंग, उसमें बहुत सारा एक कम बोल सकते हैं कि कन्वर्जन था, ट्रांसफॉर्मेशन था, एक अलग लेवल पर वो हमारी कुश्ती जो है वो आ चुकी है। आपको लगता है कॉम्पिटिटिवनेस वो बढ़ गया है? देखिए बिल्कुल, डे बाय डे जो है वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ हमारी तैयारियां भी और अच्छी होती जा रही हैं। और निसंदेह जो इंडियन रेसलिंग है उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, इंडियन रेसलिंग काफ़ी बेहतर अब कर रही है, और कोशिश करेंगे कि आने वाले गेम्स और आने वाला जो ओलंपिक्स है उसमें भी हम अच्छा करें। जैसे कि आपने बात की ओलंपिक्स की, किस तरीके से तैयारी चल रही है हम अगर बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, उसमें से एक रेसलिंग है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि पिछले 3 ओलंपिक से लगातार रेसलिंग एक ऐसा एकमात्र गेम है जो देश को मेडल दिला रहा है, और बिल्कुल उम्मीदें रखना बिल्कुल जायज़ है, और हम इस बार भी यही कोशिश करेंगे कि फिर से देश को मेडल दिलाएं। और साथ में ये भी चीज़ है कि इस वक्त जो तैयारियां हमारी है काफ़ी अच्छी चल रही हैं, सभी बहुत सीरियस है क्योंकि ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हो चुके हैं, इसीलिए अभी हमारा जो कैंप है वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले वो कजाकिस्तान में लग रहा है, ताकि हम अच्छे से एनवायरनमेंट में जो है वो ढल जाएं और बढ़िया परफॉर्मेंस दें। एक आखिरी सवाल कुछ आपसे जानना चाहूँगा, अर्जुन अवार्ड के बाद उम्मीदें आपको भी बढ़ी होंगी कि अब मैं और अच्छा करूँ ताकि हमें और अवार्ड मिले, रिकग्निशन मिले, पूजा का क्या ड्रीम है जो अभी वो लेके आगे चल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, ओलंपिक में जाना है और देश को गोल्ड दिलाना है, अभी इसी हाल फिलहाल यही सपना है, यही ड्रीम है और यही एम है, तो सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस है कि किसी भी तरह से अपने देश को ओलंपिक में मेडल दिलाऊं।